नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, एक्वेरियम एंड इट्स मेंटेनेंस, जिसमें हम देखेंगे एक्वेरियम क्या होता है और एक्वेरियम को किस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है और उसमें क्या क्या बेसिक नीड होती हैं एंड उसके मेंटेनेंस में कौन कौन से इक्विपमेंट यूजफुल होते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है एक्वेरियम एंड इट्स मेंटेनेंस। एक्वेरियम टू वर्ड से मिलकर बना है, एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर और एरियम मीन्स प्लेस। आप कह सकते हैं ए प्लेस रिलेटेड टू वाटर। एक्वेरियम को हिंदी में मछली घर कहते हैं, जिसमें फिशेज को पेट फॉर्म में रखा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है। चाइनीज फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अराउंड द होम जस्ट लाइक प्लांट्स एंड फ्लावर को मेंटेन करने का आइडिया प्रोवाइड किया। इन्होंने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गोल्ड फिशेज, अदर कार फिशेज को एक्वेरियम में ग्रो अप किया। चाइनीज फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये आइडिया प्रोवाइड कराया था कि एक्वेरियम में जस्ट लाइक प्लांट एंड प्लांट फ्लावर की तरह, जैसे हम एक गार्डन में प्लांट फ्लावर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसी तरह एक एक्वेरियम में डिफरेंट टाइप की गोल्ड फिशेज और कार फिशेज को क्या कर सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं। ये आइडिया फर्स्ट चाइनीज पर्सन द्वारा दिया गया। बट फादर ऑफ एक्वेरियम तकासी अमेनो को कहा जाता है, ये एक जैपनीज थे। और एक्वेरियम टर्म सबसे पहले एक ब्रिटिश फिलीपींस हेनरी गोसे ने दिया था। अब देखते हैं आगे। गोल्ड फिश अपनी ब्यूटी के लिए मोस्ट पॉपुलर फिश है। गोल्ड फिश है वो दिखने में अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग और ब्यूटीफुल लगती है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की होती है गोल्ड फिश। बाकी हम बात करेंगे आगे एक्वेरियम फिशेज की, कौन कौन सी फिशेज एक्वेरियम में यूज की जाती हैं या इंक्लूड की जाती हैं। आगे देखते हैं। होम पर एक्वेरियम की मेंटेनेंस एक एक्साइटिंग इवेंट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड कंसाइड कर लिया गया है या एक्सेप्ट कर लिया गया है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में वर्ल्ड की। आगे देखते हैं। यूके में सम पेट्स जैसे, यूनाइटेड किंगडम में सम पेट्स एनिमल जैसे कैट एंड डॉग के कंपैरिजन में लार्जर अमाउंट में फिशेज को एक्वेरियम में एज ए फैट रखा जाता है। कैट एंड डॉग के कंपैरिजन में लार्जर अमाउंट में फिश को क्या किया जाता है, पालतू एनिमल या फैट एनिमल की फॉर्म में रखा जाता है। प्रेजेंट में लगभग 2 मिलियन होम्स में फ्रेश वाटर एक्वेरियम को मेंटेन किया जा रहा है। और आज के टाइम पर प्रेजेंट में लगभग 20 लाख होम्स में फ्रेश वाटर एक्वेरियम किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग, पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम। एक्वेरियम का क्या पर्पस होता है, किस पर्पस के बेस पर इसे लगाया जाता है। तो देखते हैं। एक्वेरियम की मेंटेनेंस कॉमर्शियली डेकोरेटिव एंड साइंटिफिक स्टडीज के लिए किया जाता है। जो एक्वेरियम है उसे होम या हाउस में डेकोरेटिव या ऑर्नामेंटल फॉर्म में लगाया जाता है। साइंटिफिक स्टडीज के बेस पर जैसे लैब, लेबोरेटरी एंड स्कूल कॉलेज में फिश की नेचुरल हैबिटेट एंड उसकी हैबिट को स्टडी करने के लिए पर्पस के बेस पर इन्हें लगाया जाता है। इसका यूज एज ए नेचुरल हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ फिशेज को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। इसका यूज फिश की नेचुरल हैबिट एंड हैबिटेट को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग, बेसिक नीड फॉर एन एक्वेरियम। एक एक्वेरियम को प्रिपेयर करने के लिए बेसिक नीड क्या क्या होती हैं वो हम देखेंगे। एक एक्वेरियम को मेंटेन करने के लिए एक रेक्टेंगुलर टैंक की नीड होती है। रेक्टेंगुलर आयताकार टैंक की क्या होती है, नीड होती है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, एक टैंक होता है, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। आगे देखते हैं। जिसके अंदर डीक्लोरिनेटेड वाटर
फिल्ड किया जाता है और जो टैंक होता है उसके अंदर डीक्लोरिनेटेड या विदाउट क्लोरीन वाटर फिल किया जाता है। इसमें एक हीटर लगाया जाता है जिससे जो टैंक में वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिशेज एक्वाटिक वेजिटेशन, फिश जो एक्वेरियम में यूज की जाती है उनकी साइज के बेस पर एक्वाटिक वेजिटेशन जो एक्वेरियम में लगाए जाते हैं, एक्वाटिक प्लांट एंड एक्वाटिक एनिमल फिश के साथ एक्वेरियम में रखे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो नीड होती हैं इसमें एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक वेजिटेशन, एक्वाटिक एनिमल और फिशेज को रखा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। एक एक्वेरियम को मेंटेन करते टाइम फॉलोइंग स्टेप को अप्लाई करना चाहिए। अब हम देखेंगे किस टाइप से एक एक्वेरियम को प्रिपेयर किया जाता है और कौन कौन से उसमें स्टेप हैं। नंबर वन है एक्वेरियम एंड इट्स साइज, तो देखते हैं हम आगे। अब है हमारा बेसिक नीड का पहला हेडिंग एक्वेरियम एंड इट्स साइज, तो देखते हैं कि एक्वेरियम बनाते टाइम इसका कितना साइज होता है, किस टाइप से इसकी फॉर्मेशन या प्रिपरेशन होती है। देखते हैं ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर फिशेज के लिए एक्वेरियम टैंक का बॉटम स्लेट वायर्ड ग्लास का होना चाहिए। जब हम एक एक्वेरियम की फॉर्मेशन करते हैं तो जो इसका बॉटम है वो वायर्ड ग्लास का होना चाहिए। ग्लास हम यूज कर रहे हैं उसमें वायर फिल होने चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का क्या होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए। आगे देखते हैं जिसे ईच एंगल से आयरन फ्रेम वर्क में फिट करना चाहिए और इसे चारों तरफ से लोहे के फ्रेम में क्या कर दिया फिट कर दिया जाता है या करना चाहिए। मोस्टली एक्वेरियम कीपर जो एक्वेरियम को बनाते हैं वो 18 इंच x 10 इंच x 10 इंच इसका क्या होता है स्टैंडर्ड साइज होता है, 18 इंच इसकी लेंथ होती है और जो इसकी हाइट है वो 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 10 इंच स्टैंडर्ड साइज की होती है। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड साइज की एक्वेरियम को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा 24 इंच × 12 इंच × 12 इंच का एक्वेरियम भी मोस्ट सुटेबल होता है जब थोड़ा इससे लार्ज होता है एक्वेरियम। आगे देखते हैं इस टैंक में एक इलेक्ट्रिक बल्ब अटैच किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट के लिए क्या किया जाता है अटैच किया जाता है। एक एक्वेरियम के लिए 60 वोल्ट का ऑर्डिनरी बल्ब सुटेबल होता है। इसके फ्लोर पर 2 से 3 इंच थिक लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल को सेपरेट किया जाता है और इसके बॉटम पर 2 से 3 इंच मोटी सैंड बालू और ग्रेवल कंकड़ पत्थर रख दिए जाते हैं जिससे जो फिश हैं वो अपने सिलेंडर को करते हैं फॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं एक एक्वेरियम को वुडन सपोर्ट या बॉल में फिक्स कर दिया जाता है। जब एक एक्वेरियम प्रिपेयर हो जाता है तो उसे बॉल में या किसी वुडन हेल्प से या उसकी सपोर्ट से उसे फिक्स कर दिया जाता है एक जगह। अब इसमें डीक्लोरिनेटेड वाटर फिल करके टॉप कवर से कवर कर दिया जाता है और जब पूरी तरह से कंप्लीट फिट हो जाता है प्रिपेयर हो जाता है तब इसमें डीक्लोरिनेटेड या विदाउट क्लोरीन वाटर को क्या कहता है फिल किया जाता है। अब देखते हैं हम सेकेंड हेडिंग नंबर टू एक्वाटिक प्लांट फॉर द एक्वेरियम। एक्वेरियम के लिए एक्वाटिक प्लांट जिसमें देखेंगे कौन कौन से एक्वाटिक प्लांट होते हैं जो एक एक्वेरियम में इंक्लूड किए जाते हैं और फिश के लिए O2 एंड अदर एनिमल्स के लिए O2 प्रोवाइड कराते हैं। एक एक्वेरियम के लिए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज को खोज करने वाले प्लांट को पुट किया जाता है। एक एक्वेरियम में जो प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करके O2 प्रोवाइड कराते हैं। आगे देखते हैं इसमें फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज इंपोर्टेंट होती हैं, तो देखते हैं एग्जांपल फन वाइट आप देख सकते हैं इस टाइप का एक्वाटिक प्लांट होता है जिसे एक्वेरियम में इंक्लूड किया जाता है। हाइग्रोफिला आप देख सकते हैं हाइग्रोफिला इस टाइप का होता है। सैगिटेरिया को भी देख सकते हैं आप और टैप ग्रास एंड कारा ETC टैप ग्रास देख सकते हैं और आप कारा भी देख सकते हैं। इन्हें एक्वेरियम में क्या किया जाता है इंक्लूड किया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करके O2 प्रोवाइड कराते हैं अदर
एक्वाटिक या एक्वेरियम एनिमल के लिए। आगे देखते हैं ETC। एक्वेरियम में सम हार्डी एक्वाटिक प्लांट लगाए जाते हैं जो आपने देखे, जो क्विकली ग्रो करते हैं और इनमें इनकी ग्रो होती है वो होती है फास्ट होती है। सैंड में प्लांट का कोई भी ग्रीन पार्ट एम्बेडेड नहीं होता है। जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनका जो ग्रीन पार्ट है वो सैंड में एम्बेडेड नहीं होता है। अब इसे 1 or 2 weeks तक फ्री छोड़ दिया जाता है। जब इसमें प्लांट को एम्बेडेड कर दिया जाता है तो 1 to 2 weeks के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है। इसमें फ्यू स्टोन भी रख दिए जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ग्रेव या कंकड़ रख दिए जाते हैं, जिससे फिशेज अपना शील्डर फॉर्म कर सकें और जो फिश हैं वो अपना आवास या शील्डर फॉर्म करती हैं सैंड में या जो स्टोन रखे हैं उनके पास में। अब है हमारा थर्ड एक्वेटिक एनिमल फॉर द एक्वेरियम। एक्वेरियम के लिए एक्वेटिक एनिमल ये फिशेज से अलग होते हैं, जो फिश के साथ में सर्वाइव कर सकें या को एग्जिस्ट कर सकें, उसके साथ रह सकें। एक्वेटिक एनिमल फॉर द एक्वेरियम देखेंगे, एक्वेरियम के लिए एक्वेटिक एनिमल कौन कौन से होते हैं जिन्हें इंक्लूड किया जाता है। इसमें फिशेज के साथ को एक्सिस करने वाली अदर स्पीसीज या एक्वाटिक एनिमल सच एज क्रस्टेशियन, जैसे डेफिनिया लार्वा, साइक्लॉप, इन्हें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। सम मोलस्कन सच एज वाटर स्नेल को ऐड किया जाता है, और जो स्नेल होता है उसे भी ऐड किया जाता है। ये क्या होता है, मोलस्कन होता है। ये ग्रोइंग फिश के लिए नेचुरल फूड प्रोवाइड कराते हैं, और जो क्रस्टेशियन के लार्वा हैं उन पर जो एक्वेरियम या फिश हैं वो उन पर क्या करते हैं, फीड करते हैं, जो उन्हें नेचुरल फूड प्रोवाइड कराते हैं। आगे देखते हैं इसमें डेंजरस इंसेक्ट तथा उनके लार्वा को अवॉइड करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए एक्वेटिक एनिमल को उसमें इंक्लूड करते टाइम कि कोई डेंजरस इंसेक्ट तो नहीं है जो फिश या अदर एनिमल के लिए क्या हो, डेंजर हो। और यहाँ पर हमारे ये तीनों हेडिंग कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। आप पहले देख लीजिए एक्वेरियम, आपको ये डायग्राम बनाना है। इसकी लेंथ 18 सेमी, हाइट 10 और इसकी विड्थ है वो भी 10 सेमी होती है। इसमें फिल्टर लगा होता है जो वाटर को क्या करता है, फिल्टर करता है। हीटर लगा होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होता है जिससे इसमें लाइट रहती है, और एक ईयर पंप रहता है जिससे बबल क्या होते हैं, ग्रोइंग करते हैं। और एक्वाटिक वेजिटेशन सैंड ग्रेव और गोल्ड फिशेज एंड कारफिश और गैम्बूसिया जैसी फिशेज को इसमें इंक्लूड करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अब हमारा फोर्थ हेडिंग एक्वेरियम फिशेज। तो देखते हैं कौन कौन सी फिश को, किस टाइप की फिश को एक्वेरियम के लिए इंक्लूड किया जाता है। एक्वेरियम फिशेज की चॉइस फिश कीपर पर डिपेंड करती है या उस पर्सन पर करती है जो एक्वेरियम को प्रिपेयर करता है। आगे देखते हैं वेगिनर को स्टार्टिंग में हार्डी वैरायटी चूज करना चाहिए। जब एक न्यू एक्वेरियम में फिश को इंक्लूड किया जाता है तो एक ऐसी वैरायटी जो हार्डी सर्वाइवल हो, जो इजीली हार्डी एटमॉस्फेयर में इजीली क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ऐसी स्पीसीज को चूज करना चाहिए। आगे देखते हैं एग्जांपल, जैसे गैम्बूसिया कॉलिसा ETC, ऐसी फिश को स्टार्टिंग में एक्वेरियम में क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए, उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। आगे देखते हैं बाद में फिशेज की डेलीकेट वैरायटी जैसे गोल्ड फिशेज बेटास ETC को रखना चाहिए। सबसे पहले हाईडी वैरायटी गैम्बूसिया कॉलिसा जैसी फिशेज को एक्वेरियम में रखा जाता है जिससे वो इजीली उस वाटर में क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। उसके बाद डेलिकेट नाजुक वैरायटी की फिशेज होती हैं उन्हें रखा जाता है एक्वेरियम में, जैसे गोल्ड फिश और लेविस्टिस और जो बाकी जो फिश होते हैं उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे वो वाटर है वो इनके सर्वाइवलनेस के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। आगे देखते हैं एक्वेरियम में जनरली स्मॉल साइज्ड फिशेज सुटेबल रहती हैं, और एक्वेरियम में एक्वेरियम में जो फिश होती हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और स्मॉल साइज ही सुटेबल होता है। एक्वेरियम में यूज होने वाली इम्पोर्टेंट एक्जोटिक एंड इंडिजीनस फिशेज फॉलोइंग है। एक्जोटिक फिशेज वो फिशेज होती हैं जो
फॉरेन कंट्री से या अदर कंट्री से हमारी कंट्री में क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस की जाती हैं, और जो इंडिजीनियस फिशेज होती हैं वो हमारी कंट्री की फिशेज होती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी एक्वेरियम फिशेज होती हैं। गोल्ड फिश, लैविस्टर्स, जैसे आप देख सकते हैं लैविस्टर्स, गोल्ड फिश, ये आप डायग्राम बना सकते हैं, और बर्बस, सिप्रिनस, ट्राइकोगैस्टर, बोटिया, इटीसी एक्वेरियम फिशेज होती हैं जिन्हें एक्वेरियम में इंक्लूड किया जाता है। ये दिखने की अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल होती हैं। अब है हमारा फिफ्थ हेडिंग, फूड फॉर एक्वेरियम फिशेज। एक्वेरियम में जो फिश हैं उनके लिए फूड कितने टाइप का होता है और कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिशेज को टू टाइप का फूड प्रोवाइड कराया जाता है जो एक्वेरियम में फिशेज होती हैं, वो नंबर ए है कॉमर्शियल फूड, नंबर बी नेचुरल लाइव फूड। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर ए कॉमर्शियल फूड किस टाइप से किस टाइप का कॉमर्शियल फूड होता है और किस टाइप से इन्हें फिश के लिए फीड कराया जाता है। टॉप क्वालिटी के कॉमर्शियल फूड में लिटिल परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर को ऐड किया जाता है। जो कॉमर्शियल फूड होता है इसमें खल, ग्रेन्यूल्स या पाउडर के फॉर्म में जो मिनरल, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड होते हैं उन्हें कॉमर्शियल फूड की फॉर्म में फिश को फीड कराया जाता है, जिसमें लिटिल परसेंटेज में क्या होता है मॉइस्चर ऐड होता है जो केवल 2.0 से 3.6 परसेंटेज होता है मॉइस्चर। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन एंड मिनरल हायर कंसंट्रेशन में होता है कॉमर्शियल फूड में। इसलिए एक्वेरियम फिशेज के लिए मोर न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड कराया जाता है। कॉमर्शियल फूड फ्लैक या खल ग्रेन्यूल की फॉर्म में होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है कॉमर्शियल फूड होता है जिसे फिश को फीड कराया जाता है। आगे देखते हैं इसे यंग ग्रोइंग फिशेज को पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में दिया जाता है। जो कॉमर्शियल फूड होता है जो यंग ग्रोइंग या फिश फ्राई होती हैं, छोटी फिश होती हैं, उन्हें पाउडर की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में फीड कराया जाता है फिश के लिए। इसीलिए एक्वेरियम कीपर को फिश की हैबिट का ध्यान रखना चाहिए। इसकी फीडिंग पर डे एक दिन में डाइट वन मॉर्निंग एंड वन अर्ली इवनिंग होनी चाहिए। कॉमर्शियल फूड हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं बी नेचुरल लाइव फूड। बी नेचुरल लाइव फूड, तो देखते हैं इसमें किस टाइप के फूड को इंक्लूड किया जाता है। इसमें नेचुरल लाइव फूड जैसे स्मॉल क्रिस्टेशियन, जैसे डेफिनिया लार्वा, साइक्लॉप्स, मस्क्यूटो लार्वा एंड मस्क्यूटो एप को इंक्लूड किया जाता है। इसमें जूप्लैंकटन एंड फाइटोप्लैंकटन को भी इंक्लूड किया जाता है। अर्थवॉर्म, माइक्रोवॉर्म, ईटीसी को इंक्लूड किया जाता है। ये एक्वेरियम फिशेज को मेंटेनेंस तथा बैलेंस करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर हमारा फूड फॉर एक्वेरियम फिशेज भी कंप्लीट हुआ, कॉमर्शियल फूड एंड नेचुरल लाइव फूड। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब है हमारा सिक्स हेडिंग एक्वेरियम मेंटेनेंस इक्विपमेंट। एक्वेरियम को मेंटेन रखने वाले या मेंटेन करने के लिए यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट या एपरेटर्स, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक एक्वेरियम को मेंटेन करने के लिए फॉलोइंग इक्विपमेंट असेंटियल होते हैं, जैसे एक्वेरियम के लिए साफ रखने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए, जो भी वेस्टेज एक्वेरियम में इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें निकालने के लिए इन इक्विपमेंट का क्या कहता है यूज किया जाता है। तो देखते हैं नंबर ए है हमारा ग्लास साइफन ट्यूब। तो देखते हैं ये किस टाइप की होती है। ये वाटर में प्रेजेंट डेब्रिज तथा अनकंज्यूम्ड फूड को निकालने में यूज की जाती है। ये हॉलो ग्लास ट्यूब होती है, जैसे बचा कुचा जो फूड होता है, बचे कुचे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, ग्लास साइफन ट्यूब का यूज किया जाता है। जो इस टाइप की होती है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप की होती है, जो बचे खुचे डेब्रिज या अनकंज्यूम्ड फूड पार्टिकल को एक्वेरियम से निकालने में हेल्प करती है। अब देखते हैं बी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है कि जो एक्वेरियम का टैंक है उसका टेम्परेचर कितना है, कम है या ज़्यादा है।
ये एक्वेरियम वाटर के टेम्परेचर को चेकआउट करने में हेल्प करती है। इसे फारेनहाइट तथा सेल्सियस में डिटरमाइन किया जाता है। जो थर्मोमीटर होता है वो उसमें फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों टाइप से डिटरमाइन किया गया है। ट्रॉपिकल स्पीशीज के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तथा 26 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जो एक्वेरियम टैंक है उसके लिए। थर्मोमीटर आप देख सकते हैं इस टाइप में सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों टाइप से टेम्परेचर को डिटरमाइन किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी थर्मोमीटर इस टाइप का होता है। अब है हमारा सी एयर पंप, तो देखते हैं एयर पंप और इसका यूज। इसे एरेटर भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। एरेटर द्वारा बबल की स्ट्रीम पंप होती है। जैसे आपने देखा होगा एक्वेरियम में जो बबल बनते हैं वो किससे बनते हैं, एयर पंप से बनते हैं। आप देख सकते हैं इसका डायग्राम एयर पंप, और आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, एयर पंप होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है जिससे एक्वेरियम में बबल की फॉर्मेशन होती है। अब है हमारा डी फीडिंग रिंग, तो देखते हैं इसके बारे में। ये नॉर्मली प्लास्टिक की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीडिंग रिंग जो वाटर पर क्या करती है, फ्री फ्लोटिंग करती है। आप यहाँ देख सकते हैं फीडिंग रिंग, ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है जो वाटर सरफेस पर फ्लोट करती है। ये एक्वेरियम के पर्टिकुलर एरिया से ड्राई फूड कलेक्ट करती है। इसमें ड्राई फूड क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। जैसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं फीडिंग रिंग। अब है हमारी ई एक्वेरियम ग्लास क्लीनर, जो एक्वेरियम की जो साइड वाले गिलास होते हैं, कांच होते हैं, उन्हें साफ करने के लिए यूज किया जाता है ग्लास क्लीनर। तो देखते हैं एक्वेरियम के गिलास को क्लियर करने के लिए फाइन स्टील वुड का यूज किया जाता है। इसके मेटल फ्रेम को क्लियर करने के लिए रेजर ब्लेड का यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ग्लास क्लीनर जो साइड वाले गिलास हैं उन्हें क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पर एक्वेरियम में मेटल लगा होता है उसे रेजर ब्लेड की हेल्प से क्लीन किया जाता है। आप देख सकते हैं ग्लास क्लीनर, और आप यहाँ भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप से क्लीन किया जाता है ग्लास क्लीनर से। अब ये हमारा अगला हेडिंग एफ हीटर, तो देखते हैं हीटर का क्या वर्क होता है। एक्वेरियम में वाटर हीट करने के लिए हीटर अटैच्ड होता है जिसे लगभग 27 डिग्री सेल्सियस पर एडजस्ट किया जाता है, जिससे ना ही टेम्परेचर घटता है और ना ही बढ़ता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसे क्या कर दिया, सेट कर दिया जाता है 27 डिग्री सेल्सियस पर हीटर को। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप का क्या होता है, हीटर होता है। अब ये हमारा अगला हेडिंग जी फिल्टर, देखते हैं फिल्टर का क्या वर्क होता है। गुड वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फिल्टर प्रोसेस का यूज किया जाता है जो उसी वाटर को फिल्टर करता रहता है एक्वेरियम में, जिससे जो वाटर है वो एकदम गुड क्वालिटी का रहता है। फिल्टर थ्री टाइप के होते हैं एक एक्वेरियम में, एक मैकेनिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फिल्टर में स्पंज को एक्वेरियम में रख दिया जाता है। यहाँ पर हमारे एक्वेरियम मेंटेनेंस इक्विपमेंट कंप्लीट हुए। अब जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है प्रिपरेशन फॉर एन आइडियल एक्वेरियम। एक एक्वेरियम को मेंटेन करने के लिए कुछ क्या दे रखी है, प्रिक्यूशन ध्यान देने योग्य बातें। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रिक्यूशन है जो एक एक्वेरियम को मेंटेन करने के लिए हमें ध्यान देनी चाहिए। केयरफुली एक्वेरियम को जब प्रिपेयर किया जाता है तो फॉलोइंग प्रिक्यूशन को अप्लाई करनी चाहिए या करना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रिक्यूशन है। नंबर वन है हमारे एक्वेरियम को लॉन्ग टाइम तक अनकेयर्ड नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी टाइम टाइम पर केयर करनी चाहिए, उसमें जो बेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें निकालते रहना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं नंबर टू, फिशेज को ओवर फीडिंग नहीं करानी चाहिए। जो एक्वेरियम फिशेज हैं उन्हें ओवर फीडिंग नहीं करानी चाहिए। पर डे वन मॉर्निंग एंड वन अर्ली इवनिंग डाइट देनी चाहिए। नंबर थर्ड है, जब एक बार एक्वेरियम सेट हो जाता है तो इसका वाटर तब तक चेंज नहीं करना चाहिए जब तक कि वह क्लाउडी ना हो जाए। एक एक्वेरियम का वाटर जब चेंज करना चाहिए जब वाटर सरफेस पर
प्रेसिपिटेट क्लाउडी फॉर्म में क्या होते हैं कलेक्ट हो जाए, तब उसका जो वाटर है उसे चेंज करना चाहिए। अब देखते हैं फोर्थ प्रिक्वेशन, एक्वेरियम में फिशेज की ओवर क्राउडिंग को रोकना चाहिए, ज़्यादा फिशेज को एक्वेरियम में नहीं रखना चाहिए, एक लिमिट तक ही एक्वेरियम में फिश को रखना चाहिए। फिफ्थ है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को केयरफुली साइफन की हेल्प से विदाउट डिस्टर्बिंग द फिश रिमूव करना चाहिए, और जो एक्वेरियम में वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें केयरफुली साइफन ट्यूब की हेल्प से विदाउट डिस्टर्बिंग फिश को बिना डिस्टर्ब किए और बिना रिमूव किए वेस्ट प्रोडक्ट को केयरफुली बाहर निकालना चाहिए साइफन की हेल्प से। अब है हमारा सिक्स, इसका टेम्परेचर हमेशा 27 डिग्री पर कॉन्स्टेंट रखना चाहिए, और एक्वेरियम का टेम्परेचर है उसे कॉन्स्टेंट 27 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। अब है हमारा सेवन, एक्वेरियम का पीएच 7 या 7.2 पॉइंट तक होना चाहिए, 7 पर रहेगा तो वो न्यूट्रल रहेगा, और जब 7.2 हो जाएगा तो कुछ बेसिक हो जाता है वाटर एक्वेरियम का। अब देखते हैं हम एट, फिशेज को टाइम टू टाइम KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट और CuSO4 कॉपर सल्फेट में वाथिंग करानी चाहिए, क्योंकि आउटर या एक्सटर्नल इन्फेक्शन ना हो, ताकि इन्फेक्शन फ्री हो जाए, और ये वाथिंग के बाद KNO4 या कॉपर सल्फेट में वाथिंग के बाद इनके जो एक्जो पैरासाइट हैं वो रिमूव हो जाए, इन्फेक्शन फ्री हो जाए फिश। अब है हमारा 9, एक्वेरियम में प्रीडेटर की एंट्री को प्रिवेंट करना चाहिए, जो शिकारी होते हैं वो अदर एनिमल या फिश को फीड करने वाले होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, प्रिवेंट रोकना चाहिए। अब है हमारा लास्ट 10, इनका एक्वेरियम हमेशा टॉप कवर से कवर रखना चाहिए, और जो एक्वेरियम है उसे टॉप कवर से कवर करके रखना चाहिए। यहाँ पर हमारे प्रिक्वेशन भी कंप्लीट होते हैं और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, समझ आया है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। तो मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।